हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं रोज़ की तरह बोलूँगा कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इस वीडियो में बताऊँगा 18 साल के बाद कमर में दर्द क्यों होता है और इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है, देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 18 साल होने के बाद में आपका मन में इच्छा शक्ति आता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गंदी इच्छा शक्ति आता है, जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और हस्ता मैथुन कर लेते हैं, या फिर शादी कर लेते हैं, या फिर जुदाई कर लेते हैं किसी का। तो आप इन बातों से वहाँ पर बिरिय चला जाता है और सपना दोष 18 साल होने के बाद में आपका सपना दोष भी होने के चांस शुरू हो जाता है। तो इन वजह से जब बिरिय चला जाता है तो आपका ऊर्जा शक्ति बहुत ही खर्च होने की वजह से कमर में दर्द होता है। तो आप एक काम करिए, इसको कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले आप एक काम करिए, अगर आपका कमर में दर्द होता है तो आप बिरिया मत भाइए, मिथुन हिलाना बंद कर दीजिए पहला नंबर। उसके बाद में शादी कर लिया है तो आप कम से कम आप जुदाई करें, नहीं तो आपका कमर दर्द हो सकता है। और अगर आपका सपना दोष होता है तो फ्रेंड्स, सपना दोष में उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, वो उसमें ऊर्जा शक्ति खर्च नहीं होता उतना ज़्यादा। तो आप इन बातों से जान सकते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, आप जब भी जुदाई करते हैं तो आप एक काम करिए, अगर आप जुदाई करना चाहते हैं तो धीरे धीरे से अपने लिंग में जेल लगाकर जुदाई करें और धीरे धीरे से धक्का देना शुरू करें, नहीं तो आपको बहुत सारा ऊर्जा शक्ति खर्च होने की वजह से आपका जो कमर है उसमें दर्द हो सकता है और आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आप इन बातों से जान सकते हैं। और अगर आप हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो इसमें भी वही बात है, आप एक काम करिए, अगर आप हिलाते हैं तो आप भी जेल का इस्तेमाल करिए, मगर आप इतना याद रखें कि आपको रोज़ रोज़ नहीं हिलाना है। अगर रोज़ रोज़ चुदाई करेंगे या फिर हिलाएंगे तो या फिर हस्तमैथुन करेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका कमर में दर्द होगा। और कमर में जो दर्द होता है ये बहुत ही अच्छा नहीं होता, बहुत ही दर्द होता है। तो आपका रोज़ रोज़ चुदाई करेंगे या फिर रोज़ रोज़ हिलाएंगे तो आपका कमर दर्द किसी दिन भी ठीक नहीं होगा, कितना भी चाहे दवाई कर लो। तो फ्रेंड्स, आप एक काम करिए, आप इसको ठीक करने के लिए धीरे धीरे चुदाई करेंगे तो आपको ठीक नहीं होगा। और अगर पत्नी नहीं मानती है तो आप एक काम करिए, मैं बता दिया पहले कि आप जुदाई करने से पहले लिंग में जेल लगा लीजिए। और अगर आप हस्तमैथुन करते हैं 18 साल हो गया है और आपका सपना दोष वगैरह हो गया है तो इसको कंट्रोल कर लीजिए, हिलाते हैं रोज, तो इसको कंट्रोल करने के वीडियो में अपने चैनल में बना चुका हूँ। और अगर आप मैं इस वीडियो में थोड़ा शॉर्टकट में बताऊँ तो आप एक काम करिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हिलाते हैं तो एक दिन में ही 2 बार हिला लीजिए और इससे आपका जो सेक्स हार्मोन है, सेक्स इच्छा शक्ति, वो बहुत सारा घट जाएगा। घटने की वजह से आपका हिलाने का जो इच्छा शक्ति है वो चला जाएगा, जी एनर्जी जो है बहुत सारा डाउन हो जाएगा, जिससे आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं आएगा। और पॉर्न वगैरह देखिए और ऐसा पिक्चर वगैरह मत देखिए, नहीं तो आपका हिलाने का मन बार-बार करेगा और आपका जो चंचल मन है ये आपको खड्डे में गिरा के ही छोड़ता है। तो आप एक काम, फ्रेंड्स, आप अपने मन में खुश रहने की कोशिश करें, नहीं तो खुश नहीं रहेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले आप एक काम करिए, अपने मन में खुश नहीं रहेंगे तो अपने मन को खुश रखिए, नहीं तो आपको इस तरह से इमोशनल रहेंगे तो आपको ये बार बार आता रहेगा और आप किसी भी दिन कंट्रोल कर नहीं सकते। और फ्रेंड्स, आप एक काम करिए, अपने लाइफ में बिजी रहेंगे तो आपको इच्छा नहीं आएगा।
अच्छा नहीं आने की वजह से आप खिलाओगे नहीं, अपने लाइफ के अपने फैमिली के पास रहिए और अपने दोस्तों के साथ रहिए, मगर ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो जो अच्छे दोस्त हो, गंदे गंदे बातें ना करते हो हिराने जैसा। तो आप इन बातों से जान सकते हैं। और मैं एक बात बताऊँ तो आप जितना भी कुछ कर लो ये जाएगा नहीं, मगर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए बस एक ही तरीका मेरे पास है और मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो आप एक दिन में दो बार ही कर लेंगे तो इसमें फ़ायदा है, मगर आप बहुत ज़्यादा आपका ऊर्जा शक्ति खर्च होगा तो इसमें नुकसान भी होता है, मगर नुकसान होता है मगर वो शादी से शादी के बाद में वो सब ठीक हो जाता है। अगर आप 18 साल से पहले बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो आप दो बार एक दिन में कर लीजिए, महीने में एक दिन करेंगे दो बार और इससे आपका फायदा होगा, कमर दर्द नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको इन बातों से अंदाजा पता चल गया होगा कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे। दिन में दो बार कर लीजिए, आपका कमर दर्द नहीं होगा। और अगर जुदाई करते हैं तो बहुत सारा जुदाई मत करिए, और अगर आप फिर भी जुदाई करते हैं तो आप एक काम करिए, जुदाई करने का मन करते हैं तो आप एक काम करिए, आप भूलो नहीं बगा यूज़ कर सकते हैं अपने कमर में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स और इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये काम करने से कमर दर्द होता ही होता है, शिकायत के दायरे में आने से बच सकते हैं। और आप जो भी किसी को बोलेंगे तो आपको वो पहले ही समझ में जाएगा कि ये बंदा हिलाता है या फिर जुदाई करता है किसी का, क्योंकि कमर दर्द इसी से होता है और कोई कारण नहीं होता। जितना भी आप काम कर लो मगर कमर दर्द नहीं होता। तो फ्रेंड्स अगर आप हिलाते हैं और काम में जाते हैं किसी काम करने, तो आप किसी काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका कमर दर्द हो जाएगा और आप वो काम कर नहीं पाएंगे। तो आप हिलाना बंद कर दीजिए, आपका कमर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस इतना ही था। तो हमारे वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में, थैंक्स।